प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल कॉलेज में छापेमारी जारी। झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के आज प्रशासन ने बड़ी छापेमारी की, जहां पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में ट्रांसफर करके कमीशन पर दलाली कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि आज जिला प्रशासन DIG जोगिंद्र कुमार, SSP राजेश, SCO सिटी अवनीश कुमार, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नरेंद्र सेंगर के साथ नवाबाद थाना के भारी पुलिस फोर्स ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पर छापेमारी की, जहां पर 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं DIG द्वारा बताया गया कि गेट नंबर 2 और 3 पर कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस गेट के बाहर खड़े रहते हैं। उनके ड्राइवर व मालिक मेडिकल कॉलेज से मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में ट्रांसफर करके उन हॉस्पिटलों से कमीशन पर कार्य करते हैं, जिसको लेकर आज प्रशासन ने बड़ी छापेमारी की। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नरेंद्र सेंगर ने भी प्रशासन को पूरा सहयोग दिया। आपको यह भी बताते चलें कि आए दिन झांसी मेडिकल कॉलेज के बाहर नर्सिंग होम की काफ़ी कंप्लेन आती रहती है, जिसमें कहीं डॉक्टर मरीजों के साथ अभद्रता करते हैं और कहीं मरीज भर्ती होने के बाद उनके परिजनों से काफ़ी अच्छी रकम ऐट ली जाती है। इन्हीं सभी शिकायतों को लेकर आज प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज पर छापेमारी की, जहां DIG द्वारा बताया गया कि मेडिकल कॉलेज के बाहर एम्बुलेंस दलाल व मेडिकल कॉलेज के बाहर प्राइवेट नर्सिंग होम एवं मेडिकल पर इन दलालों को लेकर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, कई दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि मेडिकल कॉलेज के आसपास कुछ प्राइवेट एम्बुलेंसेज आकर रुकती है मेडिकल कॉलेज के बाहर, और उनके चालक और हेल्पर जो है, जिन्हें हम कमीशन एजेंट भी कह सकते हैं, बिचौलिया भी कह सकते हैं, ये लोग गेट नंबर 2 के आसपास और इमरजेंसी के आसपास तक भी पहुँच जा रहे हैं। और यहाँ रह करके जो मरीज़ बाहर से आते हैं और जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना होता है, ऐसे मरीजों को भी बहला फुसला कर या जिस तरीके से भी उनको झांसे में लेकर के प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाते हैं, और वहाँ उनका कुछ कमीशन बंधा होता है और उस पर जो है जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उनका इलाज करते हैं। इसका हमें शिकायत मिली, इस आधार पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को साथ लिया है और हम लोग पूरा इसको सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें ये वहाँ कमीशन के आधार पर यहाँ से ले जाकर के दूसरों को देते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह का काम कर रहे हैं उसमें हम कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोग टेक्निकल सर्वेलांस का भी मदद लेंगे, फिजिकल सर्वेलांस का मदद लेंगे, हम लोग डिकॉय भी लगाएंगे और हम पता भी करेंगे, और ये कंटिन्यूस अभियान जारी रहेगा। ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम जो ऐसे मरीजों को कैटर करते हैं, जो एक बार यहाँ मरीज ने आया और पर्चा कट गया यहाँ पे, या मेडिकल कॉलेज में आ गया और यहाँ से किसी को लेके गए, हम CCTVs भी देखेंगे, इसमें मदद लेंगे। प्रिंसिपल साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है कि इसमें पूरा सहयोग करेगा, मेडिकल कॉलेज भी हमें हमारा सहयोग करेगा, तो उसमें हम लोग ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके फिर जेल भेजेंगे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। आज कुछ लोगों को हमने पकड़ा है, अभी वेरिफिकेशन होना बाकी है, अभी तक 6 लोग हमारे हिरासत में हैं, लेकिन हम लोग अभी कन्फर्म कर रहे हैं कि वो लोग वास्तव में 4 एम्बुलेंसेज भी हमने पकड़ी हैं इसके लिए, तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि ये एम्बुलेंसेज और ये जो चालक है ये यहाँ क्या कर रहे थे और व्हाट दे आर डूइंग हियर। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, वो स्वयं बता रहे हैं कि हम इन्वॉल्व होकर के आपकी मदद करेंगे और ऐसे लोगों को हम पहचान भी कराएंगे, ऐसे इनमें कौन शामिल है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इसमें इन्वॉल्व है या प्राइवेट नर्सिंग होम जो इसमें इन्वॉल्व और ऐसा काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम DM साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को लिखापढ़ी में हम लेटर भी भेजेंगे। आज अगर कोई हम सर्वेलांस के आधार पर भी इनका पता करेंगे कौन प्राइवेट नर्सिंग होम से ऐसे जो यहाँ से मरीज ले जाता है और जो मेडिकल कॉलेज में एक बार आने के बाद उनको झांसा देकर के ठग करके, या हमारे को पब्लिक भी कंप्लेंट कर सकती है कि साहब हमें मेडिकल कॉलेज से यहाँ से ले जा करके वहाँ, ये जागरूकता का विषय है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सब लोगों को हम लोग पब्लिक को अवेयर भी करें। हम लोग ऐसे जो हमारे जो ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, और अगर कोई मूल्य से अधिक पैसा लेता है या कोई नकली माल बेच रहा है इस तरह का ड्रग्स का, जो बाहर दुकानें हैं, जो भी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं ऐसे केसेस में और ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। पब्लिक से हम ये भी अपील करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ दें, क्योंकि कई बार आदमी जो बीमार होता है वो सूचना नहीं दे पाता है, उसके परिवारजन बाद में भी सूचना दे सकते हैं कि साहब हमें इस तरह से परेशान किया गया। हम CMO से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम है यहाँ पे,